अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की बहुत ऊपर की सोच है। बताते चले कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश में एक अपनी पहचान बना रखी थी, अपने कार्यों को लेकर के वो जाने जाते थे, ठीक उसी तरीके से उनके बेटे ओसामा साहब को जो विरासत मिली है, उस विरासत को ओसामा साहब संभालते हुए अब पूरे बिहार की एक बड़ी राजनीति का शतरंज खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि ओसामा साहब से मिलने वाले बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और घंटों बातचीत हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो अब्बू आजमी, या फिर मुख्तार अंसारी के भाई हो, या फिर RJD के बड़े बड़े नेता तेज प्रताप यादव हो, या कई और भी बड़े बड़े नेता हैं जो कि ओसामा साहब से आकर के मिल रहे हैं। जिस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड ओसामा साहब से बातचीत होती है, तो उनका मानना है कि सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की जाए और एक अपनी अलग पहचान बनाई जाए, ताकि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने कार्यों को लेकर के बड़े बड़े नेताओं में एक अपनी अमिट छाप बना करके रखे हुए थे, ठीक वैसे ही पहचान बनाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में बड़े बड़े नेता वो समझे कि आखिरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उनमें भी काफ़ी काबिलियत है। और इसी को लेकर के देखने को यह भी मिल रहा है कि जब भी और जहां ओसामा जा रहे हैं, चाहे वो सिवान हो या फिर गोपालगंज, तो युवाओं की अच्छी खासी भीड़ होती है। साथ ही साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो ओसामा साहब का जोरदार तरीके से स्वागत भी करते हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आप कैसे राजनीति में आगे कदम रखिए। तो एक बार हम आपको बताते चले कि अब ओसामा साहब पूरे बिहार की राजनीति करेंगे। जो सपना था मोहम्मद शहाबुद्दीन का, उस सपने को पूरे करेंगे, यानी कि जो विकास के कार्य छोड़ करके चले गए उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसे अब पूरा करेंगे। बड़े बड़े नेताओं का मिलना, ओसामा साहब के घर पर आना, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की एक दिशा और दशा तय करेगी। सिवान के प्रतापपुर या फिर ओसामा साहब का नया किला स्थित उनका आवास आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक के क्षेत्र में एक केंद्र होगा। और यही कारण है कि बड़े बड़े नेता जानते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या चीज़ थे, इसी को लेकर के वो आज भी आकर के ओसामा साहब से मिल रहे हैं। क्योंकि समय कब कहां बदलता है यह कोई नहीं जानता, और जिस तरीके से लोगों का प्यार से ने ओसामा साहब को मिल रहा है, ऐसे में यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जिस तरीके से पकड़ बना करके रखे थे बड़े बड़े नेताओं पर, ठीक उसी अंदाज में अब ओसामा साहब भी चल पड़े हैं। और आने वाले वक्त में ओसामा साहब को जो प्यार स्नेह लोगों का मिल रहा है, जिस तरीके से वो अपना काफिला लेकर के जा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, बड़े बड़े चाहे वो पूर्व मंत्री हो या फिर बड़े बड़े कद्दावर नेता मिल रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की सियासत जरूर बदलेगी।